सो गाइस मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं फ्रूट खाऊं, लेकिन मैं मुझे मिल नहीं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आप लोगों की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है गाइस। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आज था सैटरडे, सैटरडे नाइट को मैंने ये वीडियो बनाया था। एक्चुअली हम गए हुए थे सैटरडे मार्केट। हमारे यहाँ पर जो है सैटरडे, संडे, मंडे, उसके बाद थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, यहाँ पर जो है मंडी लगती है सब्जी का। तो यहाँ पे हम जाके घर का जो भी सब्जी दाल वगैरह है यहाँ से ले लेते, क्योंकि जिस साइड हम रहते हैं यहाँ पर मॉल वगैरह काफ़ी दूर होता है और हमें हम वहाँ से लेते भी नहीं है, सच्ची बोलूँ तो। तो हम जो है यहाँ पे हमारे घर के पास जो लगता है यहीं से हम लोग सारे बाज़ार कर लेते हैं, मतलब सब्जियों का। बाकी कपड़ों उपड़ों के लिए तो मार्केट जाना ही पड़ता, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह घर की ज़रूरत का सामान मिल जाता है अच्छे दामों में, और क्या कहते हैं यहाँ पे दाल वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ मैंने ले लिया था। लास्ट में आने के टाइम मैंने सोचा कि थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन आते समय रास्ते में दिख गया हैप्पी को जलेबी गरम गरम। और इतना ज़्यादा ठंड होता है दिल्ली में, और दिल्ली के ठंड के मौसम में गरम गरम जलेबी और समोसा मिल जाता है, तो फिर कौन ही यहाँ पर नहीं रुकता, सभी रुक जाते जैसे कि हम रुक गए। तो यहाँ पे जो है हम खड़े हो गए थे जलेबी और समोसा लेने के लिए। तो भैया जो है गरम गरम समोसे तल के नहीं, गरम करके समोसा दिया उन्होंने, और गरम गरम जलेबी उन्होंने बना के दिया। तो जब तक वहाँ पे जलेबी बना रहा था मुझे आइडिया आया कि मैं खाली खड़ी होकर क्या करूँ, तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो मैंने जो है बाज़ार का यहाँ पर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं लेने गई थी सब्जी, लेकिन लिया नहीं मैंने सब्जी, दाल वगैरह लेके आ गए। फिर घर फाइनली हम पहुंच गए, और मैंने सोचा कि यहाँ से भी शूट करती हूँ, देखती हूँ अर्श क्या करता है। हमें देखकर तो वो ये खुश हो ही जाता है, क्योंकि इसको हमें झूठ बोल के गई थी कि बेटा मैं ना तुम्हारे स्कूल जा के आती हूँ। तो बोला था कि ओके मम्मी जाओ। अगर मैं उसको कहती कि मैं बाज़ार जा रही हूँ या मार्केट जा रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा रोता और हमारे साथ जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो जिद करता। तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि वो कुछ भी नहीं बोला, ओके बाय मम्मा उसने बोल दिया। हमने बोला कि बेटा तुम्हारे स्कूल जाके आते हम। तो हम घर पे आ गए तो हमने देखा कि वो रो नहीं रहा, खेल रहा है, अच्छे से कूद रहा था। ये इसलिए इतना खुश है क्योंकि उसके पापा ने उसका फेवरेट चीज़ दिखाया, जो कि है मोमोज। तो मोमोज जो है अर्श को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पहले बहुत ज़्यादा खाता था मोमोज, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ये सब खाना वो छोड़ रहा है। मतलब कि जैसे कि मोमोज हो गया, मैगी हो गया, ये सब खाना इसने बहुत कम कर दिया। वैसे भी बच्चों के लिए ठीक नहीं होता ये सब। फिर हम जो है समोसा और जलेबी भी लेके आए थे। छुलू की दादी तो यहाँ पे रेडी हो गई थी कि मैं उसको मोमो खिला देती हूँ, क्योंकि मम्मी को उनको खाना हो या ना हो, हम खाना खाए या ना खाए, उनको नहीं, बस उनका पोता जो हो उनका पेट भरा होना चाहिए। तो सबसे पहले मम्मी मोमोज लेके बैठी कि मैं इसको खिला देती हूँ पहले, बाद में हम लोग खाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन गरम गरम जलेबी थी तो हमारा भी मन कर रहा था कि हम खाएं। तो हैप्पी जो है वो जलेबी निकाल लिया था, तो मैंने बोला कि चलो तुम लोग निकालो तब तक मैं शूट कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ जो है मैं वीडियो भी शूट कर रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पति देव को पेटू, वो पहले समोसा लेके रेडी हो गया, क्योंकि हैप्पी का जो है सबसे फेवरेट फूड जो है वो है समोसा। उसको आप 5 समोसे दे दो और कोई भी काम करा लो। हैप्पी को अगर कभी भी हमें कोई काम कराना होता है या वो गुस्सा भी हो जाता, तो हम उसे अगर समोसा दिखाएंगे ना तो वो बिल्कुल खुश हो जाता है। तो समोसा देखकर वो रुकता नहीं बिल्कुल भी। तो जहाँ समोसा है भैया वहाँ पे कहाँ हैप्पी को और कंट्रोल। तो सबसे पहले तो हैप्पी समोसा लेके बैठा, लेकिन मैं ना यहाँ बैठ के मैं भी खा रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि हम हैं 3 लोग खाने वाले, मैंने पैक करवाया था 5। तो मैं देख रही थी कि मम्मी ने तो लिया नहीं। मम्मी कहती मम्मी आप भी तो खाओ, वो कह रही थी मैं बाद में खाऊंगी। मैंने लगा बाद में अगर नहीं मिला तो फिर मैं यहाँ काउंट करने लगी कि कितने मोमोस कितने समोसे यहाँ पे है। मैंने समोसे वाले को बोला था कि 5 पैक करना भैया, और उसने दे दिया 4। हम में हो गया झगड़ा।
समोसा का लेकर हम बहुत ज्यादा लड़ाई करते, क्योंकि हैप्पी को चाहिए 2-3 और हम, मैं तो एक ही खाती हूँ, मम्मी भी एक, और ज्यादा टेस्ट होता तो मैं 2 खा ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ काउंट कर रही थी कि मैंने 5 बोला था तो उसने 4 क्यों दिया, बोलकर मैं यहाँ लड़ाई कर रही थी। लेकिन फिर जो है हमारा ध्यान चला गया अर्श की तरफ, हम बोल रहे थे बेटा खाओ, क्योंकि अर्श को कुछ भी खाने को दे दो वो जल्दी खाना नहीं चाहता। लेकिन पहली बार उसने खुद से जो है ये जलेबी उठा के उसने टेस्ट किया तो मम्मी बहुत खुश हो रही थी। वो कह रही थी खा ले बेटा खा ले, तू भी खा ले। मैं भी कह रही थी बेटा खा ले तू भी, थोड़ा सा ट्राई कर ले, क्योंकि जब तक खाएगा नहीं तो चीज़ का टेस्ट कैसे पता चलेगा। तो हम उसे फोर्स कर रहे थे कि थोड़ा खा लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके खाएगा तभी उसको टेस्ट पता चलेगा ना। फिर यहाँ पे जो लास्ट में है एक समोसा बचा था, तो हम दोनों सोच रहे थे कि कौन कितना खाएगा कौन खाएगा। तो मैंने बोला हम दोनों में लड़ाई ना हो इसलिए एक समोसा को मैं 2 कर देती हूँ, तो हाफ जो है मैं बोली कि हैप्पी तू ले ले जो वाला लेगा और मैं एक ले लेती हूँ। तो उसने एक पीस उठा लिया और एक आधा मैं। तो जब एक लास्ट में बच जाता ना तो हम ऐसे हाफ हाफ करके खा लेते हैं। खाने पीने के बाद फिर हमने बोला कि चलो अब चेक करते हैं कि क्या सामान हम लाए और क्या बाजार में भूल गए। सरसों का तेल, गरम मसाला, कहा गरम मसाला, एक किलो चीनी, काबली चना, चलू है पापड़ अद्धा किलो, सफेद वाली दाल भिगो देंगे अभी, काले चने, येलो दाल, इसका ये भी भिगोएंगे, सुबह हम वो खाएंगे नाश्ते में। क्या चिल्ला? येलो दाल का कौन सा चिल्ला होता है? पागल, इसी का चिल्ला बनता देखना, तो जो डाइट करते। सो गाइस, मेरा बहुत दिन से मन था कि मैं फ्रूट खाऊं, लेकिन मैं, मुझे मिल नहीं रहा था। फाइनली आज मैं गई थी बाजार तो मुझे ये फ्रूट मिला, और मैं क्या बोलो, वो फ्रूट ये ड्रैगन फ्रूट। तो मुझे ये खाने का बहुत शौक था। मैंने देखा बाजार में तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए तो चाहिए, तो हैप्पी मुझे 2 ड्रैगन फ्रूट दिलाया। एक पीस जो है 60 रुपए का मिला मुझे, एक पीस। सुना तो था महंगा होता, पर आज मैं ट्राई करने वाली, चाकू भी लेके बैठी हूँ। तो इससे पहले मैं कट करती हूँ, यहाँ से आई थिंक कट करते पहले पहली बार काट रही, पता नहीं ऐसे कट कैसे। हाय हैप्पी ठीक है, पहली बार काट रही, पता नहीं कोई गलती ना हो जाए। ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन सुन के लगता भैया कोई ड्रैगन ना है। ड्रैगन फूड बेटा, यस ओके ओके। अब इसे काटू ड्रैगन फूड। सो ये 2 पीस मैंने कर दिया इसको, अब इसको जो है मैं यहाँ से इसको कट करूंगी। देखो ये हैप्पी, आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ ड्रैगन फूड की, इसका टेस्ट कैसा होता है। ये इसको मैं अभी छील लेती हूँ थोड़ा सा। छील लेती हूँ इसका भी हिसाब पकड़े। आओ, ये तो बहुत इजीली निकल गया। अब मैं टेस्ट करती हूँ पहले, बाकी का बाद में काटूंगी। बहुत बार क्या तो पूछ का क्या मुझे दे, कैसा लग रहा है ये टेस्ट? तो समझ ही नहीं आ रहा, छोटे छोटे बीज है इसके अंदर, और जैसा वाटर मिलन हम लोग खाते हैं ना उस टाइप का लग रहा है ये। मीठा भी नहीं है, मीठा भी नहीं। बेटा खाते रहते ना, खाना खाना, ये बंदर कुछ खाते ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा लग रहा है, मतलब जैसा हम वाटर मेलन खाते हैं ना, तो उस टाइप का उसका वाटर मेलन का टेस्ट इससे अच्छा ही होता है, बट इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। मम्मी जितना मैं खुश थी इसको देखकर, उतना दुखी हो गई मैं इसको खाकर।
तो मुझे इसका टेस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसके अंदर बहुत बीच बीच सा भी है, तो मैं क्या बोलूं, इतना महंगा ये क्यों मिलता मुझे पता नहीं। कुछ आई थिंक अच्छी चीजें होगी, इसको खाने के बाद कुछ अच्छा होता होगा, मुझे नॉलेज नहीं। मैं शौक के लिए लाई थी, पर अब मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो गया, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया सच में। कैसा लग रहा? बेकार। आप खाओ ना मम्मी, अर्श साइड हो जाओ बेटा। अच्छी लगी? हाँ। बोलू आप खाओ ना मम्मी। उसने में जाली वाला दे दिया शायद। किसी इदा ही हुंदा सच्ची? इससे पहले खाया था गोलू? फर्स्ट टाइम ना आपने मम्मी? हाँ मैं तो खाया। ऐसा ही था? ऐसा ही हुंदा है। आपने पहले खाया था? बात नहीं हुंदा है ना मम्मी। तो फिर वो तो बीमार होते हैं, उसको ज्यादा खाते हैं जी। अर्शु खा बेटा, उसको खिलाओ ना जरा, देखो खा रहा है कि नहीं। लेकिन खा बेटा। नहीं मम्मा। तो नहीं खा ले बेटा थोड़ा सा, अच्छी चीज तो खाया करने। गुल खा रहे? अजीब सी स्मेल, मुझे अच्छी नहीं लगी ये तो बिल्कुल भी। मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, इसके बाद अगर कोई तुम्हें देगा तो तुम खाओगे? कोई बोलेगा मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा? एक पड़ा है वो भी वापस करके। तू 60 का एक दे रहा, तू 50 का हमसे ले ले और दे दे हमारे पैसे। हमारा 10 रुपए कोई नहीं, हम नुकसान झेल लेंगे है ना। बकवास। आपको पसंद आया मम्मी? हाँ मेरे को तो पसंद आया। आप बीमार हो? उनको पसंद आया। अर्शु तू भी ट्राई कर ले बेटा थोड़ा सा। नहीं मम्मा। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा खा। एक बार ट्राई करो ना बोल, दोनों को नहीं खा। इसको पटक के खिलाए थोड़ा सा। नहीं पटक के खिलाओ। नहीं तो जल्दी खा ले। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही, अब मैं ये ब्लॉग करती हूँ एंड। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।